वेलकम टू माई चैनल। मेरा नाम विक्रम है। जैसे कि आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ MIUI मोडेड वर्जन कैसे इंस्टॉल करें जो कि यहाँ पे Redmi Note 8 Pro में। तो यहाँ पे देख सकते हो डिवाइस आता है Redmi Note 8 Pro और यहाँ पे आप देख सकते हो MIUI 12.5 का वर्जन मिल जाता है। और यहाँ पे जो मेथड है ग्लोबल और यहाँ पे इंडियन डिवाइसेस में दोनों में यहाँ पे वर्क होता है। तो फर्स्ट आपको यहाँ पे क्या करना है जो कि MIUI वर्जन के ऊपर एक 10 बार टैप करना है, उसके बाद बैक आना है, एडिशनल सेटिंग्स में जाना है, यहाँ पे आपको डेवलपर्स ऑप्शंस में जाना है जो कि देख सकते हो OEM अनलॉकिंग जो कि बूट लोडर इज ऑलरेडी अनलॉक, जो कि मेरे डिवाइस के यहाँ पे बूट लोडर अनलॉक है। तो यहाँ पे आप कोई भी कस्टमाइजेशन करना चाहते हो तो फर्स्ट अपने डिवाइस का आपको यहाँ पे बूट लोडर अनलॉक कर लेना होगा। और यहाँ पे बूट लोडर कैसे अनलॉक करें उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपके डिवाइस का बूट लोडर अनलॉक है तो बेशक आप यहाँ पे MIUI मोडेड वर्जन का यहाँ पे इंस्टॉल्ड कर सकते हो जो कि यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे आपको मिल चुका है। उसके बाद क्या करना है, आपका यहाँ पे डेटा बैकअप कर लेना होगा जो कि आप MIUI से कस्टम रॉम में जाते हो तो यहाँ पे आपका डेटा इरेज होता है। तो सिंपल आपको यहाँ पे डेटा बैकअप कर लेना होगा। उसके बाद क्या करना है, अपने डिवाइस का यहाँ पे सिंपल PC से कनेक्ट कर लेना है और फाइल ट्रांसफर आपका यहाँ पे चूज कर लेना है। और आपको यहाँ पे आना है PC में आने के बाद प्लेटफॉर्म टूल TWRP आपको यहाँ पे कस्टम रॉम मिल जाता है जो कि MIUI आप देख सकते हो जो कि यहाँ पे बेगोनिया 21.11.10 आपको यहाँ पे मिल जाता है, मोडेड बाई यहाँ पे आपको मिल जाता है। और यहाँ पे लेटेस्ट आप देख सकते हो 24/11/2021 मैजिस मैनेजर ज़िप, मैजिस मैनेजर APK, रूट चेकर APK, यहाँ पे तीनों जो है रूट के लिए यूज़ होता है। उसके बाद यहाँ पे चारों फाइल को कॉपी कर लेना है अपने इंटरनल स्टोरेज में, यहाँ पे आपको सिंपल पेस्ट कर लेना होगा जो कि देख सकते हैं यहाँ पे कॉपी हो रहा है। तो सिंपल आपको यहाँ पे कॉपी होने तक वेट कर लेना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कॉपी हो चुका है। उसके बाद डिवाइस में आना है, डिवाइस में आने के बाद पावर प्लस LM डाउन की दोनों को यहाँ पे प्रेस एंड होल्ड करना है। इससे क्या होगा, आपका डिवाइस यहाँ पे आ जाएगा फास्ट बूट मोड में। तो सिंपल आपको यहाँ पे होल्ड कर लेना है जो कि देख सकते हो डिवाइस आ चुका है फास्ट बूट मोड में। उसके बाद फिर से आपको यहाँ पे आना है PC में आने के बाद प्लेटफॉर्म टूल को एक्सट्रैक्ट टू कर लेना है, जो कि एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको एक फोल्डर देखने को मिल जाएगा, ये फोल्डर ओपन करना है, ये फोल्डर को भी ओपन करना है। और यहाँ पे जो फाइल का पाथ है उसके ऊपर जस्ट क्लिक करके CMD टाइप करके इंटर करना है जो कि कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे कमांड टाइप करना है जो कि फास्ट बूट डिवाइसेस, जो कि आपका डिवाइस यहाँ पे PC से कनेक्टेड है नहीं है, अगर आप यहाँ पे चेक करना चाहते हो तो फास्ट बूट डिवाइसेस टाइप करके इंटर करना होगा, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी डिवाइस यहाँ पे जो कि कनेक्टेड नहीं है। तो आपको एक बार ड्राइवर्स चेक कर लेना होगा, जो कि यहाँ पे आपको सिंपल ड्राइवर्स चेक कर लेना है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एंड्रॉयड यहाँ पे जो है अपडेटेड है। तो यहाँ पे आपको सिंपल इंटरनेट से कनेक्ट कर लेना है अपने डिवाइस को। तो यहाँ पे मैं मेरे डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको एंड्रॉयड यहाँ पे आपको ड्राइवर्स इंस्टॉल कर लेना होगा जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपका डिवाइस कनेक्टेड है तो आप बेशक यहाँ पे विदाउट एनी ड्राइवर्स इंस्टॉलेशन के आप यहाँ पे कंटिन्यू स्टेप कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको ओके, इंटरनेट भी यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हो इंटरनेट कनेक्टेड हो चुका है, रिफ्रेश। तो ये जो है ड्राइवर्स है जो कि यहाँ पे एंड्रॉइड ड्राइवर ओपन करना है फोल्डर को, एक्सट्रैक्ट टू कर लेना है, ओपन करना है आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है, इंस्टॉल्ड कर लेना होगा इंस्टॉल्ड। अभी आपको चेक करना है एक बार, रिफ्रेश, ओके सॉरी स्कैन। यहाँ पे देख सकते हो अभी भी आउटडेटेड है। यहाँ पे अपडेट, ब्राउज, एंड्रॉइड बूट लोडर, ओके क्लोज। यहाँ पे देख सकते हो एंड्रॉइड बूट लोडर इंटरफेस यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे आपको अभी कमांड टाइप करना है फास्ट बूट डिवाइसेस। तो यहाँ पे देख सकते हो एक रैंडम नंबर, उसके बाद फास्ट बूट से एक डिवाइस कनेक्टेड है।
इसका मतलब आपका डिवाइस यहाँ पे पीसी से कनेक्टेड है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे TWRP को भी एक्सट्रैक्ट टू कर लेना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको एक फोल्डर देखने को मिल जाएगा, ये फोल्डर को ओपन करना है। ये फोल्डर में आप यहाँ पे देख सकते हैं MIUI Android 11 और यहाँ पे ये जो TWRP आता है MIUI 12.5 Android 11 के लिए अवेलेबल है। अगर आपके डिवाइस में Android 10 है तो आपको यहाँ पे ये रिकवरी यूज़ नहीं करना है, जो कि वर्शन 2.7 आपको यहाँ पे यूज़ कर लेना होगा। आपके डिवाइस में Android 11 है तो वर्शन 3.0 आपको यहाँ पे यूज़ कर लेना होगा, जो कि यहाँ पे देख सकते हो सेंडिंग रिकवरी। और यहाँ पे रिकवरी सक्सेसफुल फ्लैश हो चुका है और यहाँ पे डिवाइस भी बूट हो चुका है, जो कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली TWRP बूट हो जाएगा। तो सिंपल आपको यहाँ पे वेट कर लेना होगा जो कि यहाँ पे TWRP बूट होने तक। तो देख सकते हो TWRP आ चुका है और यहाँ पे जो PC का वर्क है यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। सिंपल आपको यहाँ पे डिस्कनेक्ट कर लेना होगा अपने डिवाइस को PC से। डिवाइस में आना है, डिवाइस में आने के बाद सिंपल आपको यहाँ पे वेट कर लेना है। स्वाइप टू अलाउ मॉडिफिकेशन, इंस्टॉल में जाना है, एक बार सभी आपको फाइल्स को चेक कर लेना है। होम प्रेस करना है, वाइप में जाना है, एडवांस वाइप, डेलवेक सिस्टम, वेंडर, डेटा, कैश आपको यहाँ पे वाइप कर देना है। होम प्रेस करना है, इंस्टॉल में जाना है, MIUI मोडेड वर्जन को यहाँ पे इंस्टॉल्ड कर लेना होगा, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे इंस्टॉल्ड हो रहा है। तो सिंपल आपको यहाँ पे इंस्टॉल होने तक वेट कर लेना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे इंस्टॉल्ड हो चुका है, जो कि यहाँ पे MIUI मोडेड वर्जन। उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे रूटेड मिल जाता है। तो यहाँ पे रूट इंस्टॉल्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो कि यहाँ पे प्री रूटेड और यहाँ पे जो जी एप्स है ऑलरेडी यहाँ पे इंक्लूडेड रहता है। होम प्रेस करना है, आपको यहाँ पे सिंपल रीबूट और यहाँ पे रिकवरी कर लेना है, जो कि एक बार रिकवरी में बूट होने के बाद यहाँ पे आपको डेटा वाइप कर लेना होगा। तो सिंपल आपको यहाँ पे वेट कर लेना है जो कि डिवाइस यहाँ पे रीबूट होने तक। देख सकते हो TWRP आ चुका है, जो कि यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट TWRP हो चुका है। उसके बाद स्वाइप टू अलाउ मॉडिफिकेशन, वाइप फॉर्मेट डेटा आपको यहाँ पे यस कर लेना होगा, ओके करना है, जो कि डेटा आपका यहाँ पे फॉर्मेट हो जाएगा। उसके बाद सिंपल आपको यहाँ पे रीबूट सिस्टम क्लिक कर लेना है और आपको यहाँ पे वेट कर लेना होगा जो कि डिवाइस बूट होने तक। तो देख सकते हो MediaTek Helio G90T और यहाँ पे आपको लोगो देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। तो सिंपल आपको यहाँ पे बूट कंप्लीट बूट होने तक वेट कर लेना होगा। तो सिंपल तो यहाँ पे देख सकते हो MIUI 12.5, तो यहाँ पे आपको सिंपल सेटअप कर लेना है और यहाँ पे आप सेटअप करने के बाद बेशक आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो जो कि मोडेड वर्जन को। और यहाँ पे ये जो वीडियो है एक इंस्टॉलेशन वीडियो है, इसके बाद एक कंप्लीट रिव्यू वीडियो मिल जाएगा जो कि सून। तो यहाँ पे आपको ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जैसे कि यहाँ पे Redmi Note 8 Pro के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ बना के बताने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।